डियर स्टूडेंट्स, अभी सीबीटी एग्जाम प्रारंभ हो चुके हैं। 16 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक का सीबीटी सेकेंड ईयर के लिए शेड्यूल आ चुका है। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जो क्वेश्चंस पेपर्स लेके आ रहा हूँ मैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप उनको देखें और उनके लिए आप तैयारी करें। सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब मैं रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा और एक वीडियो मुश्किल से आपका 15-20 मिनट का समय लगता है। तो यदि आप रोज़ाना 15-20 मिनट आधा घंटे का समय निकालें और इस वीडियो को दिन में एक बार, दो बार, तीन बार देखें तो आपको परीक्षा में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अभी एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं और तरह तरह के आप तैयारियां करते हैं, इधर उधर देखने के लिए आप जुगत बिठाते हैं या फिर इधर उधर के लिए आप कोई भी कोशिश करते हैं, तो वो कोई भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल 15-20 मिनट का वीडियो है और कुछ एक क्वेश्चन है उनको रिपीट कर लीजिए, आपको कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो आप भी मेरे साथ इसकी तैयारी करें। आपके लिए है पहला प्रश्न, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए, आज जो क्वेश्चन है वो डीसी जनरेटर से संबंधित है और डीसी जनरेटर का एक भाग आपको चित्र में दिखाया गया है जिसको एक्स से इंगित किया गया है, एक्स से दर्शाया गया है। एक्स भाग है, ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के साथ जो सिरे हैं उनको राइजर पर शोल्डरिंग किया जाता है, तो ये जो पार्ट है ये कम्यूटेटर राइजर है। कम्यूटेटर राइजर इस पार्ट को बोलते हैं जो एक्स से दर्शाया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी, कम्यूटेटर राइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये जो चित्र दिखाया गया है, सर्किट डायग्राम है, इसमें एक जनरेटर दिखाया गया है, डीसी जनरेटर। इस जनरेटर का नाम क्या है? देखिए, यहाँ पर आर्मेचर आपके पास है, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज वाइंडिंग जुड़ी हुई है और आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में एक शंट वाइंडिंग जुड़ी हुई है। और देखिए, इसमें महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों में करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। राइट आंसर इज ए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की और लेटेस्ट वीडियो हैं, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले पहुंचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए, अभी आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम जनरेटर के लिए काम में लिया जाता है और बायां हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, वो मोटर के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना कर किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसमें जनरेटर की जो उत्पन्न ईएमएफ बराबर फाई जेड पी अपॉन 60A का फॉर्मूला है, उससे आपको उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है। राइट आंसर इज सी। ये कुछ एक क्वेश्चन हैं, फार्मूले हैं, वो आप रट लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको परीक्षा के समय देखते ही याद आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना का सूत्र क्या है डीसी मोटर में। देखो, बैक ईएमएफ का पूछा है, जो बैक ईएमएफ होती है इसकी गणना का सूत्र क्या है? तो बैक ईएमएफ की गणना सूत्र है ईबी बराबर वी माइनस आईएआरए वोल्ट्स, यानी बैक ईएमएफ वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉपों के अंतर को बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ये वी है, ये जो वी है ये अप्लाइड वोल्टेज, और आईएआरए है वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो आईएआरए से प्रदर्शित किए जाते हैं, तो बैक ईएमएफ बराबर वी माइनस आईएआरए, ये इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इस चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं पोल शू इसको कहते हैं। ये मोटर में और जनरेटर में दोनों में काम आता है पोल शू। राइट आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जनरेटर है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। डीसी जनरेटर फील्ड, जनरेटर में जो पोल वाइंडिंग होती है वो पोल वाइंडिंग की भी है, दो वाइंडिंग है इसमें, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग। तो देखिए सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग है, एक दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है और ये जो डायरेक्शन है ये बाहर की ओर करंट प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इस जनरेटर का नाम पूछा है तो इसका नाम हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इन विभेदक यौगिक जनरेटर। राइट आंसर इज सी, विभेदक यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण कहा गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, अभी आपने ये देखा था राइट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स दिखाया गया है, इसमें ये जो पहली अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और ये जो होता है मोशन ये जनरेटर में चालक के घूर्णन दिशा को इंगित करता है, तो ये पहली अंगुली है ये करंट की दिशा को इंगित करेगी, दूसरी अंगुली है ये करंट की दिशा को इंगित करती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र और मोशन है चालक की घूर्णन गति और इसमें आ गया चालक में प्रवाहित करंट की दिशा, तो जनरेटर में दाएं हस्त नियम से इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स राइट आंसर है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये डीसी जनरेटर का चित्र दिखाया गया है और इसके भाग का नाम पूछा है, तो इसका नाम योक या फ्रेम है, ये जनरेटर की योक है, बॉडी है और फ्रेम है जो आपको इसमें चित्र में दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। देखिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है और इंटरपोल्स जो होते हैं वो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में यानी सीरीज में जुड़े होते हैं, इसलिए राइट आंसर इज ए। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है। यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है, देखिए कंपाउंड जनरेटर है, शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है, तो शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है तो ये जाएगा आपका शॉर्ट शंट जनरेटर, तो राइट आंसर इज डी, लघु शंट यौगिक भी इसको हिंदी में बोलते हैं, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर प्रचलित करते हैं, यानी ये जो आर्मेचर कोर जो होती हैं इसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, ये इसमें एडी करंट को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। देखें जनरेटर जो होता है उसमें फील्ड में जो चुंबकत्व तो शेष रह जाता है उसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, यदि आप घड़ी की दिशा से विपरीत दिशा में जनरेटर को चला देंगे तो इसका अवशिष्ट चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है और आपको फिर से उसको चार्ज करना पड़ता है, चुंबकत्व डालना पड़ता है, इसलिए घड़ी की दिशा में विपरीत नहीं चलाना चाहिए और इसको घड़ी की दिशा में चलाना चाहिए ताकि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा हो सके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आज जो डीसी जनरेटर के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लेके आया हूँ, लेकिन आपको 15 से 20 मिनट में ही आप इस सब क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे, तो आप पढ़ते रहिए देखते रहिए। जनरेटर का नाम क्या है, यदि क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, क्षेत्र जो है केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो ये शंट जनरेटर कहलाता है, राइट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य ये होता है कि पोल्स के द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र को समान रूप से फैलाते हैं, इसलिए इसका पोल शू इसको समान रूप से फैलाते हैं। राइट आंसर इज डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना ही पोल शू का कार्य होता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए, जनरेटर में कार्बन ब्रश बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर है कार्बन और ग्रेफाइट, यानी डीसी मशीन्स में कार्बन ब्रश हैं उनसे कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं। इनका नाम भी कार्बन ब्रश होता है। अगर कोई ब्रश बोलते हैं कि ब्रश किसके बनाए जाते हैं, तो आता है कार्बन ब्रश, कार्बन के बनाए जाते हैं। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसमें संचयी यौगिक जनरेटर जो होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, उसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए, इंसुलेशन प्रतिरोध अच्छा हो इसके लिए नियमित रूप से सेगमेंट की सफाई करना, ये नहीं है। इसमें रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा प्रवाहित कराना या गर्म हवा देना, गर्म हवा देने से क्या होगा, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस वो ठीक रहेगा और इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधक तार का उद्देश्य क्या है? ये जो प्रतिरोधक तार हैं, इनका उद्देश्य पूछा है कि प्रतिरोधक तार का उद्देश्य क्या है। देखिए, जैसे ही जनरेटर में ये कम्यूटेटर गति करता है, कम्यूटेटर गति करने के कारण कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में स्पार्क होने लगती है, यहाँ पर स्पार्क होने लगती है, तो उस स्पार्क को कम करने के लिए इसमें प्रतिरोधक तार दिए गए। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो देखिए आपका ए बी सी इनमें से नहीं है, इसका राइट आंसर है डी, यहाँ लिखने से छूट गया है। राइट आंसर डी है कि धारा दिशा का आसानी से पलटना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है करंट की, जैसे ही कम्यूटेटर आगे चलता है तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है कॉइल्स में, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये डायरेक्शन आसानी से चेंज हो जाए इसके लिए, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है। मैं बता देता हूँ, धारा दिशा का आसानी से बदलना, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर या योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर बनाने के लिए रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें एक चित्र दिखाया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? इसमें एक स्लॉट दिखाया गया है, इस स्लॉट का आपको पूछा है कि ये स्लॉट है ये क्या है जो एक्स से चिन्हित किया गया है। इसमें देखिए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी फिक्स द की वे ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पढ़ते रहें, देखते रहें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आप तक मिल जाएं। डीसी जनरेटर, बड़े डीसी जनरेटर में मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पोल कोर बनाने के लिए ढलवा इस्पात यानी कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्यों पोल कोर स्टैम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? यानी ये जो स्टैम्पिंग्स होती हैं, कोर होती हैं, उनको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है। साधारण सी सरल सी भाषा में मैं बताऊं कि पोल कोर जो होती हैं, जिनको स्टैम्पिंग्स बोलते हैं, उनको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? ये जो होती है, एडी करंट प्रवाहित न हो, इसलिए एडी करंट को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग डीसी जनरेटर में की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? यानी जनरेटर में वी चुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन जो होती है, उसमें उसका प्रभाव क्या होता है? यदि किसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होती है, तो उसकी आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को
कैसे बेअसर किया जाता है, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर, मुख्य क्षेत्र में प्रवाह डीसी जनरेटर विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता देते हैं, डीसी जनरेटर में एक आर्मेचर रिएक्शन नाम की क्रिया होती है। आर्मेचर रिएक्शन होता है मुख्य फ्लक्स को, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को प्रभाव डालता है, इससे जो प्रेरित ईएमएफ जो होती है उसका मान घट जाता है। राइट आंसर इज बी। ये आपके लिए आज के मुख्य प्रश्न हैं, और इसी क्रम में हम आगे भी लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। और यदि 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो आप देख लेंगे तो आप बेहतर एग्जाम दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे के वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने मित्रों और साथियों तक पहुंचाएं, जिससे उनको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।